हूँ। तो चलिए रोज की तरह ही आज और एक नए रूप में हम नया सेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए सेशन तो यही नए बनते जाएंगे, मगर आपको उसी नए अंदाज के साथ हमारे शरीर को पूरे रूप से प्रिपेयर करना है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी गर्दन सीधी, आंखें बंदी ही, तीन बार गहरी सांस लीजिए और धीमी गति छोड़िए। तीन बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों की नमस्कार पोजिशन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों का प्रणाम हमारे प्रभु को, ईश्वर को, जो भी हमारा श्रद्धा स्थान है उसी को स्मरण करते हुए दोनों हाथों में क्लैप्स कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। आंखों को स्पर्श कीजिए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए और आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलिए। तो तीन बार सांस लेना और तीन बार ओंकार करना जो आप मंत्र बोलते हैं उसी के पीछे का रीजन, जनरली हम जिस वास्तव स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, उन विचारों से हमें बाहर निकलने के लिए तीन बार जो सांस लेते ओंकार करते या मंत्र बोलते जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे विचारों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए इसकी शुरुआत इसी तरीके से करनी है ताकि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो एक पूजा पाठ के साथ ही हम उसी का स्वागत करते हैं और बाकी स्वरूप को हम रूप देते हैं। तो चलिए इस योग सत्र को हम स्टार्ट करते हैं। हम सिटिंग पोजिशन में करने वाले हैं तो दोनों पैरों को खोल दीजिए इस तरीके से आहिस्ता, दोनों पाओ की उंगलियों को आहिस्ता प्रेस कीजिए धीमी गति से, जितना उंगलियों को प्रेस कर सकते हो कोशिश करो, बस तो बहुत बढ़िया, जितना उंगलियों को प्रेस कर सकते हो कोशिश करो, करेक्ट। धीमी गति से प्रॉपर तरीके से उसी को प्रेस कीजिए। दोनों पैरों को अभी साथ मिला लो, पंजों को गोल घुमाइए, एक साइड सांसों के ऊपर पूरा ध्यान, फिर दूसरी साइड देखो जितने प्रेशर के साथ आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी वेन्स आपको दिखाई देती है तो उन वेन्स के ऊपर पूरा ऑब्जर्व कीजिए, धीमी गति से पूरा राउंड पूरा टर्न कीजिए, मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर रहे हो, इसी तरीके से आपको करना है।
रिलैक्स, चेंज। गर्दन को पीछे की तरफ, सामने की तरफ आहिस्ता पूरा टर्न कर दीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया। पूरा ऊपर और नीचे, करेक्ट। दोनों हाथों के जो पंजे हैं, अपने तरफ, सामने की तरफ 10 times इसी तरीके से कीजिए। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। पूरा प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। चेंज, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर दीजिए, उंगलियों को खोलिए और मुट्ठियों को लॉक कीजिए। पूरी प्रॉपर खोलनी और लॉक करनी है, तेजी से नहीं करना है उसको, धीमी गति से कीजिए। एट ए टाइम पूरा खोलिए और लॉक कीजिए। बहुत बढ़िया, पूरी उंगलियां खोलिए। जब भी हमारे बॉडी पेन करती है तो हाथों की उंगलियां और पैरों की मसल्स की उंगलियों को भी हम थोड़ा सा भी इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो हमारे पूरे शरीर को एक्टिवनेस बढ़ जाता है। चेंज, दोनों हाथों को अपने तरफ, सामने की तरफ, इसके नीचे नहीं लेके जाना है, बस इतने लेवल में। बहुत बढ़िया, पूरा अपने तरफ और सामने की तरफ लीजिए उसी को, जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। करेक्ट, धीमी गति सांस लेनी भी है और छोड़नी भी है। रिलैक्स, एक सांस भर लीजिए अभी, आहिस्ता छोड़िए धीमी गति से। दोनों हाथों को इस तरीके से नजदीक लेते हो, आहिस्ता थोड़ा टर्न कीजिए, एक साइड, दूसरी साइड। जॉइंट्स में और पंजों में थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं लेना है, पीछे की तरफ जितना ट्विस्टिंग कर सकते हो कोशिश करो। जितने अंदर के ऑर्गन्स है उनके ऊपर जितनी हम ट्विस्टिंग करती है तो उतने ज्यादा हमारे मसल्स के अंदर एक नए प्रकार के एक्टिवनेस हमें बढ़े ही दिखाई देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद। पूरा पीछे की तरफ, दोनों साइड, रिलैक्स। एक सांस भर लो फिर से गहरी, दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए इस तरीके से। पहले अपोजिट साइड पूरा राउंड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये था, हमने अपोजिट साइड पहले कर लिया। उसी तरीके से सामने की तरफ एक गहरी सांस भरते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इजीली इसी तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो, धीमी गति से। आहिस्ता दोनों पैरों को थोड़ा सा फोल्ड कर दो इस तरीके से, एक साइड, दोनों पैरों को साथ मिला लो, दोनों हाथों के पंजे का इस तरीके से सपोर्ट लीजिए। आहिस्ता थोड़ा नीचे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 एंड 10। चेंज सेम उसी तरीके से दूसरी साइड, दोनों पैरों को इस तरीके से नजदीक लेते हुए, दोनों हाथों के पंजों का सपोर्ट लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इजीली ज्यादा उम्र वालों ने थोड़ा सा करते हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए इसको फॉलो करना है। आहिस्ता धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रिलैक्स। तो धीमी गति से पूरे बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता दोनों हाथ अपने जॉइंट्स के ऊपर रखते हुए पीछे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो उसी तरीके सामने की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इजीली यहाँ पे हमारी सूक्ष्म तरीके की जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट होती है। अभी कोई भी एक आसन स्थिति में, शवासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको आसन कंफर्ट हो उस आसन में बैठने की कोशिश करनी है। तो आहिस्ता रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए एक गहरी सांस भर लीजिए, धीमी गति से छोड़िए तो इजीली एक पैर के ऊपर पैर को रख देंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर को और राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर को, रीढ़ के हड्डी को सीधा, पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। जिनका नहीं होता है उन्होंने सिंगल पैर का करना है, मगर हमारा टारगेट रखना है आखिरी तक कि मेरा पद्मासन कभी ना कभी तो भी होना चाहिए, मगर सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं। रोज तिल भर भी उसमें इम्प्रूवमेंट आता है तो भी चलेगा। एक पैर का करते हो तो एक पैर का चलेगा, दूसरे पैर का तो दूसरे पैर का। जब भी प्रैक्टिस दोनों में दर्द नहीं होता है तभी दोनों पैरों को रखते हुए पूर्ण पद्मासन करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता दोनों हाथों के और पाँव के अंगूठे को थोड़ा सा अपने तरफ खींचते हुए नॉर्मली उसको थोड़ा टर्न करने की कोशिश करो। रिलैक्स, एक पैर को खोल दो, दूसरे पैर को आहिस्ता। अभी पद्मासन कंप्लीट होने के पहले हमने सूक्ष्म तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो इसके बाद का हम आसन करने जा रहे हैं, शवासन पोजीशन। आहिस्ता दोनों पैरों को सीधा कर दो, धीमी गति से राइट के पंजे का सपोर्ट लो, लेफ्ट के कोने का, धीमी गति से शवासन पोजीशन में चले जाइए। शवासन विश्रांतिदायक आसन, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आसन और एक्सरसाइज के माध्यम से
जो हमारे बॉडी के ऊपर खिंचाव निर्माण होता है उसको कम करने के लिए। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में स्ट्रेट कर दो। आहिस्ता वन के ऊपर दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेने और नमस्कार पोजीशन बनानी है। वन टू, धीमी गति से बिल्कुल। थ्री फोर, चेस्ट के मसल्स के लिए, पेट के मसल्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। रिलैक्स, दोनों हाथों को खोलते हुए, दोनों हाथों में डिस्टेंस, पॉम में डिस्टेंस, धीमी गति से पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। आहिस्ता दोनों हाथों के पंजे पैंट की सिलाई की लाइन में, सिंगल पैर को फोल्ड करते हुए अपने तरफ खींचना है और सामने की तरफ लेके जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। एक पैर को रिलैक्स कर दो, दूसरे पैर को उसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इजीली दोनों हाथों में और पॉम में डिस्टेंस, शवासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन, धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है आहिस्ता। एक गहरी सांस भरी और छोड़िए। पूरा पेट के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर, नीज के ऊपर, यूरिन के पोर्शन के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है जब भी पैर को हम ऊपर और नीचे करते हैं। पेट के जो जितने मसल्स है उनको पूरा खिंचाव निर्माण होता है, उतने मसल्स खुलने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आहिस्ता धीमी गति से लेफ्ट साइड टर्न कर दीजिए। राइट के पंजे का सपोर्ट लेना है, आहिस्ता लेफ्ट कोने का सपोर्ट, धीमी धीमी गति से नजदीक आना है, बॉडी को टर्न कर देना है।
इस तरीके से पेट के बल, तो दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपकी मकरासन पोजिशन, विश्रांतिदायक आसन, धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है, आहिस्ता, दोनों हाथों का बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से दोनों पैरों को नजदीक, पंजों को नजदीक लेना है, एक जॉइंट को फोल्ड, एक को थोड़ा सामने की तरफ लेना है, 1, 2, 3। मांजरासन की पूर्व तैयारी, 4, 5, 6, 7, 8। ज्यादा एज ग्रुप के लोगों ने थोड़ा सावधानी पूर्वक, पैर फोल्ड होता है तभी करता है, 9 एंड 10। तो इजीली दोनों तरीके से मूवमेंट करनी है, इसी पैर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है दोनों हाथों का बैलेंस करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेम उसी तरीके से राइट वाले पैर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो चलिए दोनों हाथों का शोल्डर के लेवल में पोजीशन पूरी, पीछे का जो पोर्शन है हमारा, बैक का पोर्शन, उसको प्रॉपर तरीके से रखिए एक ही लेवल में इस तरीके से, मांजरासन पोजीशन ये, कमर के पोर्शन को नीचे की तरफ जाने दो तो गर्दन को ऊपर उठाइए। जिनको बैक का पेन होता है, कमर में दर्द होता है, ज्यादा उम्र के होते हैं, जिनको बैक बेंडिंग नहीं होती, उनके लिए लगभग फायदेमंद। इजीली आप अपने बिस्तर के ऊपर भी इस आसन को फॉलो कर सकते हैं, मांजरासन पोजिशन ये। फिर दोनों हाथों के सेंटर में गर्दन को लेके जाइए और कमर के पोर्शन को भी ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन नीचे तो कमर ऊपर, पूरा ऊपर की तरफ लेने की कोशिश कीजिए। फिर वापस कमर नीचे तो गर्दन ऊपर की तरफ, जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली आलस देते हैं उसी की पोजीशन, यानी मांजरासन, गर्दन ऊपर तो कमर को पूरा नीचे की तरफ, मिनिमम 30 सेकंड तो भी उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो बैक से रिलेटेड जो भी हमें व्याधियां निर्माण होती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद मांजरासन। चेस्ट के मसल्स के ऊपर भी हल्का सा प्रेशर निर्माण होता है, दोनों ही हैंड स्टैंड का बैलेंस हो जाता है इजीली। गर्दन नीचे, कमर के पोर्शन को पूरा ऊपर उठाइए, पैरों को दोनों ही सीधा रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया।
मस्त। फिर वापस उसी तरीके से रिलैक्स। तो ये था हमारा मांजरासन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा, हाथों की द्रोण मुद्रा। आज की हमने पूरे सेशन में जो एक्सरसाइज की है, तो पूरे शरीर के ऊपर पूरे प्रॉपर तरीके से प्रेशर निर्माण हो, इस तरीके से पूरे जॉइंट को ऊपर उठाना, नीचे की तरफ, फ्रंट की तरफ, बैक की तरफ, उसी के ऊपर पूरा प्रेशर, चेस्ट मसल्स के ऊपर, ट्राइसेप बाइसेप के ऊपर भी। तो पूरे योग के स्टाइल से हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रकार से शेप्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो बना हुआ कचरा है वो तो पूरा निकल ही जाए, साथ ही साथ जो आपके मसल्स है वो पूरे स्ट्रांग हो जाए, एक्टिव हो जाए, उसी के लिए इस सेशन का उस रूप से हमने लिया है। तो चलिए वज्रासन को स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा। मिनिमम इसको 1 मिनट तक तो भी फॉलो करने की कोशिश करनी है, और रोज खाना खाने के बाद इस आसन को फॉलो करना है। बाकी कोई आसन पूरे खाली पेट करने हैं, एकमात्र आसन है जो आप खाना खाने के बावजूद भी आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, सुप्त वज्रासन। सांस लेते हुए आहिस्ता बॉडी को रिलैक्स कर दो। इसके बाद क्या करना है हमें, वज्रासन पोजीशन में ही थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हुए दोनों हाथों को टर्न कर देना है, पैरों को फोल्ड करना है, और इस आसन का नाम है सिंह मुद्रा। तो सिंह मुद्रा में क्या होता है कि जीभ को पूरा इस तरीके से जीभ को बाहर निकाला जाता है, और जिस तरीके से हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो सिंह की तरह पूरा दहाड़ना है, पूरा सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए। तो ये जो हमारा जालंधर बंद होता है, सिंह मुद्रा के माध्यम से वो पूरा गले से रिलेटेड जो भी व्याधि होती है वो पूरी कम हो जाती है, जो गले में खराश होती है, गले का जो इन्फेक्शन होता है, जो हलासन नहीं कर सकते हैं, वो सिंह मुद्रा जरूर कर सकते हैं। अगर आप वज्रासन नहीं कर सकते तो आप पैर फोल्ड करते हुए भी इस आसन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंह मुद्रा। जीभ को बाहर निकालिए और इस तरीके से फिर और एक बार सांस लीजिए पूरी गहरी, 2-5 सेकंड के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इस मुद्रा को करते समय ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, दोनों हाथों को थोड़ा सा सामने की तरफ लेते हुए। तो सिंह मुद्रा करने के बाद अलग ही एक मजा आपको आता है, चेहरे के अंदर, बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों हाथों को थोड़ा सामने की तरफ करते हुए, जीभ को बाहर निकलते हुए। जितना बाहर की तरफ आप सांस को छोड़ते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। तो ये जो हमारे फेफड़े होते हैं उसी के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है। तो जितना हम फ्रंट की तरफ करते हैं और पूरा सांस छोड़ते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, तो सांसों के माध्यम से अंदर से बना हुआ जो आपके सिस्टम को बेकार करता है उसको अच्छा करने के लिए। बहुत से लोगों को धूम्रपान की आदत होती है, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, ये जो चीजें खाते हैं निकोटीन युक्त, उसी को योग अगर आप रेगुलर करते हैं तो निकोटीन युक्त चीजें तो हमें पूरी सी बंद ही करनी, उसको उसका सेवन ही नहीं करना है। ताकि आप सिंह मुद्रा करते तो उतने आपकी फेफड़ों के मजबूतीकरण के लिए वो फायदेमंद होता है। तो सुबह योग करना और दोपहर को निकोटीन लेना तो ऐसा नहीं करना है, इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है। जो हमारे सेहत के लिए जो फायदेमंद है उसी चीज को अपने को अपनाना है। तो चलिए इसके बाद हम
आसन करने वाले हैं मंडुकासन। तो मंडुकासन में क्या करने वाले हैं, मंडुकासन दो तरीके से किया जाता है, जो आपको कंफर्ट है उस तरीके से कीजिए। डायबिटिक शुगर पेशेंट के लिए मंडुकासन एक मेडिसिन का कार्य करता है। उन लोगों ने दोनों हाथों की मुट्ठियां ये कर सकते हैं या तो पंजों के ऊपर। तो आज हम मुट्ठियों का करने वाला है, दोनों हाथों की जो मुट्ठियां है नाभि के बीचों बीच, हमारी जो नाभि है उसको सेंटर में लेना है और दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारे पेट के लेफ्ट और राइट साइड में इस तरीके से रख देना है। सांस लेनी है गहरी और सांस छोड़ते हुए धीमी गति से सांस भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए आहिस्ता इस तरीके से सामने की तरफ जाना है। बहुत से जन नीचे की तरफ टच हो जाते, वैसा नहीं करना है। अभी इसको होल्ड करके रखना है, मिनिमम 30 सेकंड तो भी इस आसन को फॉलो करने की कोशिश करनी है। अभी सांस की रफ्तार मध्यम गति से रखनी है, ना कि जोर जबरदस्ती से। जिनको ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होता है उन्होंने क्या करना है, पैर को पालथी करते हुए ही बैठ के भी आप इस आसन को फॉलो कर सकते हैं। और जिनका इस तरीके से होता है तो उनका तो बहुत ही बढ़िया ही है। तो दोनों तरीके से आप करते हो तो बेनिफिट सरी का मिलता है। कोशिश करनी है इस आसन में, दो आसन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर सांस लेती ऊपर की तरफ। इस आसन को खाना खाने के बाद या 6 घंटे के पहले कभी भी नहीं करना है, जब भी आप खाना खाते हो तो, क्योंकि पेट के ऊपर पूरा प्रॉपर प्रेशर आता है। इसलिए नॉर्मल गति से दोनों हाथों की मुट्ठियां रखनी इस तरीके से, सांस भरनी है गहरी और फिर से वापस से नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया, पूरा सामने की तरफ। गहरी सांस लीजिए, आहिस्ता छोड़ दीजिए, रिलैक्स, आहिस्ता बैठक पोजीशन में आ जाइए। अगर पैरों में मोच आती है तो आप हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हो। धीमी गति से बैठक पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। जो रेगुलर से, आज आपको नया प्राणायाम मैं सिखाऊंगा, जिस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। अभी उज्जयी प्राणायाम क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन, जो कोविड के चलते हमें गले में इंफेक्शन, गले से रिलेटेड खराश होना, गले में घुटन होना, ये जो पूरी जो क्रियाएं होती है किसी को, इसी में टॉन्सिल्स निर्माण होते हैं, उन सभी व्याधियों से बहुत ही फायदेमंद होता है उज्जयी प्राणायाम। जिनको थायराइड की कंपलसरी गोलियां चालू है, बहुत से पेशेंट ने इसको रेगुलर फॉलो करने से, जो हमने पाया है 2014, 16, 18 से, जो आप भी अभी इस वीडियो के साथ निरंतर फॉलो कर रहे हैं, उनकी परमानेंट थायराइड की गोलियां कम हो चुकी है। मगर उनके रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया फिर स्टार्ट किया, तो उससे आपकी गोली नहीं छूट सकती। तो इसमें क्या करना है, ये जो हमारा जालंधर बंद होता है इस पोजिशन का, तो इस पोजीशन को पहले हल्की सी 3 उंगलियां रखते हुए इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। सांस लेनी है पहले, ये आप देख पा रहे हो, इसको दबाओ तो आपको थोड़ा घुटन की तरह महसूस होता है। तो नॉर्मली पहले गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाओ फिर सामने प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आपको सेंसेशन होता है उस वेन्स को, थोड़ा सा आगे पीछे जो बंद होता है, जो जालंधर होता है, उसको पूरा लॉक करना है इस तरीके से। सांस लेनी है और इस तरीके से आवाज आपकी आनी चाहिए। उसके बाद फिर उंगलियां रखने की जरूरत नहीं, आप पहली बार कर रहे हो इसलिए उंगलियां रखिए और उसको चेक कीजिए वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं। सांस ले ली आपने, गर्दन को टर्न कर दिया और तो गले का घर्षण की तरह उसी तरीके से, जैसे कि फांसी का फंदा होता है, जैसे फांसी लगाई जाती है, गर्दन पूरी नीचे की तरफ उसको पूरा दबाया जाता है, तो सेम हमें फांसी नहीं लगानी है, सिर्फ उस वैसी फीलिंग्स महसूस करनी है, उसको थोड़ा सा दबाए और सांस लेनी है, उसको अंदर की तरफ पूरा खींचना है। जितना अंदर की तरफ आप खींचते हो तो उतने गले के अंदर से उसको मसाज होती है, उतनी उसको रिलीफ मिलती है। जो थायराइड ग्रंथि उसको पूरा घर्षण कर करके जो आपको उससे होने वाला पेन है वो आपको महसूस नहीं होता है, इसलिए उस उज्जयी प्राणायाम को आपको फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से।
सांस लेते हुए पहले गर्दन को सीधा कर दो, फिर नीचे की तरफ झुकाते हुए तो आप पहली बार करोगे तो आप नए नए तरीके के आवाज निकालोगे, तो घबराना नहीं है, उसके रियाज करना है। फिर सांस लेते हुए फिर से पूरी गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता उसी को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद एक गहरी सांस लो, आहिस्ता नॉस्टिक को बंद कर दो और लेफ्ट से सांस लीजिए। आहिस्ता राइट को दबाते हुए लेफ्ट से छोड़ दीजिए। फिर दोनों नॉस्टिक से सांस को छोड़ दो। फिर लास्ट वाला प्राणायाम दीर्घ श्वसन, सांस को लेना और छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग। पूरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जितनी ज्यादा सांस ले सकते हो लीजिए और पूरे आहिस्ता धीमी गति से छोड़िए। जितनी ज्यादा सांस ले सकते हो कोशिश करो। पूरी गहरी सांस भरी और छोड़िए। जितनी ज्यादा गहरी सांस ले सकते हो पेट के पोर्शन को अंदर खींच सकते हो, कोशिश करो धीमी गति से छोड़िए उसी को। आहिस्ता दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन लीजिए, अपने प्रभु को ईश्वर को स्मरण कीजिए। दोनों हाथों में क्लैप्स कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को पूरा घिसिए, जितना घर्षण निर्माण कर सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता अपने आंखों को लगा दो, चेहरे को स्पर्श करो, पूरी बॉडी को स्पर्श कीजिए। आहिस्ता धीमी गति से पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, दोनों हाथों को क्रॉस में स्पर्श करते हुए धीमी गति से आंखें खोलिए। तब जाके देखिए कितना फ्रेशनेस महसूस होता है। तो रेगुलर इसी तरीके से एक्सरसाइज योग आसन को फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग को अपनाइए। मैं नीलेश ठाकरे, आपका दिन शुभ जाए। नमस्कार, थैंक यू।